हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 का चैप्टर 3 सोशल साइंस का है, जिसका हेडिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, जिसका सबसे पहले आप लोग वर्ड नोट कर लीजिए, जिसका कुछ हमने इंपॉर्टेंट वर्ड नोट किए हैं और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक में है डिस्कवरी एंड एक्सटेंट, यानी कि खोज और सीमा। इसे बोल रहा है अबाउट 150 इयर्स अगो, यानी कि 100 वर्ष और 50 साल पहले। 150 इयर्स यानी कि 1050 साल पहले क्या हुआ था, रेलवे लाइंस वेयर बीइंग लेड इन द पंजाब रीजन, यानी कि पंजाब का क्षेत्र में रेलवे रीजन है जो स्टार्ट हुआ था। 150 साल पुराने के बाद बोल रहा है कि स्टार्ट हुआ था पंजाब में ट्रेन सब चलने के लिए, ठीक। और उसमें दिया होता है ज्योग्राफिकल स्टेट यानी कि भौगोलिक सीमा। द इंदुस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड द होल ऑफ सिंध, बलूचिस्तान अमंग द होल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ईस्ट और वेस्ट से स्टार्ट हुआ था इंदुस वैली सिविलाइजेशन कवर हुआ था, यानी कि वो क्या क्या चीजें हुआ था, जैसे कि सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान अमंग द होल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक क्या इंदुस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, ठीक। कहाँ कहाँ हुआ था, तो सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये सब के बीच में, और वो सब का वहां पर हुआ था तो वहां पे और भी स्टेट था, तो कौन कौन स्टेट था, पंजाब था, हरियाणा था, और भी बुक में आप लोगों को नाम में दिया होगा, और आप लोगों का टॉपिक नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह से बुक में बताया है एकदम डिटेल में, तो हम बोर्ड पे डिटेल में तो लिख नहीं सकते हैं, आप लोगों को हम एक नोट्स की तरह लिखे हैं, ये आपको याद करना है, ठीक। और आप लोग अपने बुक को अच्छी तरह से रीडिंग करिएगा। उसको सेकेंड टॉपिक में देवा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का वृद्धि और विकास, यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो हुआ था उसका किस तरह से वृद्धि हुआ और किस तरह से वो विकास किया, उसके बारे में दिया हुआ। तो इन इंडिया भारत का बात कर रहे हैं, यानी कि भारत में द हड़प्पन कल्चर ग्रीव एंड डेवलप एट ए टाइम, यानी कि एक समय क्या हुआ था, हड़प्पन कल्चर जो था वो यहाँ पर भी वृद्धि हुआ था, विकास किया था, ठीक। देन अदर रिवर वैली सिविलाइजेशन, यानी कि दूसरे नदी के सिविलाइजेशन के अति पे दौर पे अदर पार्ट, यानी कि हम लोग कौन से अति में रहते हैं, तो एशिया में रहते हैं, तो एशिया हो गया और अफ्रीका, ये दोनों के भागों में क्या हुआ था, रिवर वैली सिविलाइजेशन हुआ था। दूसरा रिवर जैसे कि पहला क्या था, हड़प्पन कल्चर हुआ था, ठीक, भारत में एक समय, फिर एक समय क्या हुआ था कि रिवर वैली सिविलाइजेशन भी हुआ था, ठीक, स्प्रिंग में हुआ था, स्प्रिंगिंग अप इन अदर पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के कोई अलग अलग भाग में, ठीक। और डिटेल में आप लोगों का बुक में दिया हुआ है, एकदम विस्तार में बहुत अच्छी तरह से बताया है, हमने कहानी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़कर देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक में दिया हुआ है द बिल्डर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता हुआ था उसका कौन निर्माता था, तो इट इज येट टू नो अबाउट द पीपुल दैट बिल्ट दिस सिविलाइजेशन, सम से दैट ड्रैविडियंस, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये बना था हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन किया था, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रैविडियंस कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अदर से डैट आर्यन बिल्ट, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन से बनाया है, तो कुछ लोग बोलते हैं स्टिल अदर से डैट द सवरियंस बिल्ट इट, सवरियंस बनाया है। ये सब जाति का नाम है, आप लोगों के वर्ड मीनिंग में मैंने लिखवाया है, ठीक। और आप लोग यहाँ पर थर्ड टॉपिक एंड हुआ है, सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब नोट्स को, अभी तक हमने जितना लेक्चर बताया है, सब नोट्स जितना लिखवाया है, सबका कॉपी में राइट करना चाहिए और सबको इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग का फोर्थ टॉपिक में दिया हुआ है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो टाउन प्लानिंग, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
नगर योजना यानी कि हड़प्पा था मोहनजोदड़ो जो था उसका नगर योजना क्या था, तो द पीपल ऑफ द इंडस वैली वेयर ग्रेट बिल्डर्स, यानी कि जो इंडस वैली के जो लोग थे वो बहुत ही महान बिल्डर्स थे, ठीक, दे बिल्ड सिटीज एंड लिव इन ए हेल्दी सिविल लाइफ, यानी कि लोग क्या किए थे, वे लोग क्या किए थे, एक बहुत बेहतरीन सिटीज बनाए थे, ठीक, आप लोग राइट कीजिए। तो दे बिल्ड सिटीज एंड लिव ए हेल्दी सिविल लाइफ, और वो लोग क्या किए थे, एक अच्छा जिंदगी सबको दे दिए थे, सब अपना खुशी खुशी रहता था, ठीक, वो लोग बहुत मदद किए थे, ठीक। दिस नॉलेज ऑफ प्लानिंग एंड बिल्डिंग सिटीज शोज दैट द इंडस पीपल वेयर ए अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि जो ये नॉलेज था, ये ज्ञान था, जो प्लानिंग था बिल्डिंग सिटीज का, वो दर्शाता है कि इंडस वैली, यानी कि जो इंडस वैली में जो लोग रहते थे वो एक अर्बन सिविलाइजेशन बनाए थे मिलकर सब लोग, ठीक। आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है, अपना बुक रीडिंग करते रहे। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक में दिया हुआ है लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की जिंदगी, पीपुल ऑफ द इंडस वैली वेयर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि जो इंडस वैली में जो रहते थे लोग वो बहुत ही कठिन काम करते थे, बहुत कठिन, ठीक, दे लिव ए हैप्पी लाइफ, लेकिन देखिए वो लोग जो मेहनत करते थे बहुत हार्ड करते थे, लेकिन वो अपना जिंदगी खुशी से बिताते थे, सच एज फूड ड्रेस अम्यूजमेंट एंड टॉयज, ये सब जो था वहां पर सब पहनते थे, ठीक, जैसे कि क्या भोजन खाते थे, ड्रेस हो गया, भोजन के बारे में देखिएगा आप लोग कदम डिटेल में दिया हुआ होगा, ड्रेस वहां पर उनका क्या क्या चीज ड्रेस था पहनने का, फिर अम्यूजमेंट यानी कि वहां पे क्या गहना सब चलता था, कैसा कैसा डिजाइन का, फिर खिलौना का, ये सब सब टॉपिक्स आप लोग को डिटेल में दिया, ये सब आप लोग खुद रीडिंग करेंगे। उसके बाद दिया ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट, यानी कि वहां का क्या व्यवसाय था पैसा सब कमाने का, फिर दिया हुआ ट्रेड वहां पे कैसे व्यापार होता है, फिर रिलीजन वहां पे क्या क्या धर्म है, फिर सील एंड स्क्रिप्ट, यानी कि सील एंड स्क्रिप्ट यानी कि वहां पर अलेख क्या था, जवान जो जवान सब रहता था उसको क्या मिलता था, क्या नौकरी सब करता था, वो सब कवर आप लोग को बुक में डिटेल में दिया हुआ, ठीक। उसके बाद सिक्स टॉपिक में दिया हुआ है डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ठीक, इसमें बोल रहा है सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट फ्लड्स ऑकरिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस बिल्ड आउट दिस सिविलाइजेशन, ठीक, ये आप लोगों को दिया हुआ है। तब तक आप पहले ये दोनों टॉपिक्स को राइट करें, उसके बाद हम बताते हैं। हाँ, तो आप लोगों को सिक्स में था सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट फ्लड्स ऑकरिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि इतिहास में जितना भी लोग था उन लोग इतिहास के बारे में उन लोगों को ये मानना था कि एक बार क्या हुआ था, बारिश आया और उससे सब चीज को बहा के लेके चल गया, ठीक, ये वहां पर सिंधु घाटी का डाउनफॉल हुआ था यानी कि कटाव हो गया था, विव्ड आउट दिस सिविलाइजेशन, फिर वहां पे जितना सिविलाइजेशन था सब खत्म हो गया था, क्योंकि लोगों का मानना था ना कि बारिश आया है, बारिश आया और सब चीज को बहा के लेके चल गया, जिसके कारण सब चीज नष्ट हो गया। अब आप लोगों को सिक्स टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, और आप लोगों को होमवर्क है, होमवर्क डू मेक ऑब्जेक्टिव एंड टिक द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन लेसन थ्री का, जितना भी ऑब्जेक्टिव रहे और क्वेश्चन रहे आप लोग अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो और डिटेल में देखना है तो आप लोग अपना बुक में रीडिंग करते रहे सुनना है तो, क्योंकि ये आप लोगों का एक नोट्स की तरह हमने समझाया है किस तरह से आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, क्योंकि अब आप लोग सीनियर क्लास में चल गए क्लास सिक्स में, आप लोगों को खुद रीडिंग करना पड़ेगा। थैंक यू।